आज मम्मी जी ने जीन्स पहना है और हम जा रहे हैं कॉस्को। These are two mother-in-law and mother, mommy and mother-in-law. And this is Anil. Shivering in thund. पहले ये जैकेट भी नहीं पहन के आनी थी और अब एक जैकेट में भी ठंडी लग रही है। हम आ गए हैं कॉस्को, पर कॉस्को से हमारा 5 साल तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, क्योंकि हम लोग कॉस्को के बहुत बड़े फैन नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। और 5 ईयर्स में हमने इस साल मेंबरशिप ली है। कुछ सामान ऐसा आया था ये कॉस्को में ही मिलता है। हाँ, और हमने तो ली थी इसीलिए क्योंकि हमें टायर्स चेंज कराने थे और उस टाइम पर यहाँ पर टायर्स पे ऑफर चल रहा था, सो वी टुक द मेंबरशिप बिकॉज ऑफ दैट। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सब कुछ बल्क में मिलता है तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इट्स क्या, तो आपका खुद का घर हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, पर अपार्टमेंट में वैसे ही बहुत स्पेस कंजस्टेड होती है और उसके बाद में अगर सामान स्टोर करना पड़े तो इट्स अ बिग डील। एंड वैसे भी आई थिंक अगर थोड़े से काम के लिए काम चल जाता ना तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग यू विल गेट इन बल्क। तो मैं कॉस्को की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर यस कुछ चीज़ें हम लेते हैं लाइक बटर, क्योंकि मेम्बरशिप तो ले ही लिया तो बटर यहाँ से लेते, जो अनसॉल्टेड बटर वो, और 5-6 चीज़ें और हैं जो हम यहाँ से हमेशा लेते हैं। रेस्ट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वॉलमार्ट, ऑल्डी, क्रोगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन, यू वांट टू डू मोर एक्सप्लोर्ड। हने का फेवरेट सेक्शन, एवरी टाइम फर्स्ट एंट्री यही होती है। कम लेट्स गो, यू गेट फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटेबल्स, टॉयज, बड़े बड़े झूले, एवरीथिंग हियर इन कॉस्को। सी, वी विल गो फ्रॉम द प्ले एरिया सेक्शन, कम। गैस स्टोव्स, ओवन्स, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो कोई जब नया घर लेता है ना तो कॉस्को इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक टू सेटल डाउन, एंड हियर ऑल बिग बिग प्ले एरियाज। तो जो लोग भी अपना घर लेते हैं और उनको प्ले एरिया सेटल करना होता है बैकयार्ड में, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये प्ले एरिया जो है दैट इज़ फॉर $1400। वहाँ प्राइस लिखा हुआ है। दैट्स अ गेम फॉर द, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस गेम, बट दिस इज द गेम। आई हैव नो क्लू, यू विल हैव टू आस्क पापा, समथिंग लाइक दिस ओनली। कम, ये है बोट्स, टू काइंड ऑफ बोट्स। पीछे से समझ में नहीं आ रही हूँ कि यहाँ पे लॉन चेयर्स एंड स्विमिंग पूल चेयर्स, ग्लव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर यू गेट एवरी थिंग, ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स। कभी कभी किसी किसी पर ऑफर रहता है, तो लेट्स सी आज किस पर ऑफर है। बट बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ सब कुछ बल्क में मिलता है, तो आई डोंट थिंक इतना बल्क में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो पाती है। तो बड़ी फैमिली हो या फिर बड़ा घर हो, देन इट इज़ वर्थ इट, सो दैट यू कैन बाय इन वन शॉट और एक बार ख़रीद के उसको स्टोर कर सके काफ़ी लंबे टाइम तक। हो गया ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन, हम ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ से ही लेते हैं क्योंकि वर्थ रहता है आई थिंक प्राइस। दीज आर ऑल द बुक्स एंड गेम्स। अरे दिस वे, It's looking just when it touches it's looking like jadoo. Touch it again. I'm feeling scared. So ठंड के मौसम में फ्रीजर के अंदर घुसना मतलब आफत है। आज बहुत ठंडा है, कल बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। We are in the freezer. अने का फेवरेट सेक्शन है ये फ्रीजर। और कल इतनी गर्मी, मतलब कल था 74 टेम्परेचर और आज सडनली ड्रॉप होके 37। अब आप सोचो कितना डिफरेंट टेम्परेचर चलता है यहाँ पर। मेनली मैंने देखा टैक्सस में, क्योंकि फ्लोरिडा में कभी ऐसा नहीं हुआ। टैम्पा में अगर सर्दी है तो सर्दी ही रहेगी थोड़ा टाइम तक, गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी। यहाँ बड़ा फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर, तो फिलहाल हम ठंड के मारे काँप रहे हैं, पर सब्ज़ी लेना भी ज़रूरी है तो इसलिए फंसे हुए हैं यहाँ पर। और हमने एक मूवी देखी थी, विच वॉज द मूवी, आने हेलेन, एंड हेलेन मूवी में शी गॉट स्ट्रक इन अ फ्रीजर फॉर 5 आवर्स फॉर फाइव आवर्स एंड शी सर्वाइव्ड।
बट शी सर्वाइव्ड एंड इट इज अ रियल स्टोरी. हेलन मूवी है. आई डोंट रिमेंबर. On Prime Video. Make sure you install Prime Video because that is the sponsor of this video. Okay. सबसे पेशेंटली यही खड़े हैं इतनी ठंड में और हम तो कांप रहे हैं. You're not? मजा आ गया हम जी. मजा आ गया. ठंड में. हाँ मजा आ गया. जैकेट ब्लैंकेट सब याद आ जाता है जब यहाँ की ठंड में निकलो तब. और ओस की बूंदे देखिए ऐसे कुछ तो तब से बहुत हल्का हल्का सा रेन शावर टाइप का हो रहा है. और मैंने की आइसक्रीम. भैया जो लोग भी स्नोफॉल वाले एरिया में रहते हैं और इतनी ठंड को डेली इतनी ठंड में डेली सरवाइव करते हैं ना, हैट्स ऑफ टू यू. हमारी तो लिटरली है ना बैंड बज गई इतनी ठंड में. आज कुछ ज़्यादा ही विंडी है. जब विंडी होता है तब ज़्यादा ठंड लगती है. वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है. एंड आई थिंक जैकेट्स वैसी वार्म वाली ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पर क्योंकि इतनी ठंडी होती ही नहीं है. बट आई थिंक अब यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से लेना पड़ेगा कुछ ऐसे वार्म वार्म क्लोथ्स. बहुत सालों बाद ऐसे बर्थडे मनवा रहे हैं ये. फोटो निकालेंगे. फोटो फोटो मम्मी जी के साथ में. ये तो वीडियो है. वीडियो में तो बताओ ना. हाँ नहीं नहीं ये वीडियो है. मैं फोटो बनाऊंगी. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sudhi. फंस गया आज आप. आज हम एक दूसरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं. हमारा आज ब्रेकफास्ट है तो सारे फ्रेंड्स सब मिलकर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे. और ये सेकेंड इन्विटेशन है मम्मी जी का और बाकी जो दो आंटी जी आई हैं उनका. तो आज मैंने वेस्टर्न पहन लिया क्योंकि सुबह सुबह इंडियन पहनने का मौका ही नहीं पड़ पाया. मम्मी जी ने बढ़िया सा एक इंडियन वेयर पहना है. हम बाद में इंडियन पहनना चाहिए इंडियन. हाँ पर कोई बात नहीं. आज हमारा वेस्टर्न डे है. आज एक दूसरी जगह पार्टी है हमारी. वीडियो बन रहा है तो फोटो निकालती हूँ. Oh, you have to act on one of the card. Auntie will do. Auntie will do it. Auntie. No. Okay. अब मम्मी जी की चांस है. Yes, मम्मी जी. आप इशारा कर सकते हैं. इशारा कर सकते हैं. नहीं नहीं आप इशारा कर सकते हैं कहीं अगर रूम में है तो. बर्थडे बॉय इज कुकिंग. क्या बना रहे हैं? छोले. इसमें छोले इसमें रखे बॉयल होने. हम जब तक पार्टी अटेंड करने गए तब तक यहाँ छोले की तैयारी हो गई. अरे क्या मतलब है, आज भी आप ही बनाओ. रोज तो आप ही बनाते हो. हाँ रोज सुबह दोपहर शाम आप ही बनाते हो. आज भी बनाओगे? आज तो मौका दो कम से कम. खाना अच्छा खाना ना आज. अच्छा फॉर अ चेंज. हाँ देख लीजिए मम्मी जी. आप देख लीजिए यहाँ खुले मुंह पे बुराई मेरे. तो ये स्पेशल छोले बनाने के लिए कुछ खड़ा मसाला दिख रहा है मुझे जिसमें है मिर्ची, धनिया, स्टार अनीस जिसको हिंदी में शायद चक्रफूल बोलते हैं, अगर आपको पता है तो बताना ज़रूर, जीरा, इलायची, लौंग, सम तेज पत्ता एंड आई थिंक दैट्स इट. साथ में ये जूलियंस काट के रखे हैं मिर्ची एंड अदरक के. ये ब्लैक छोले करने के लिए आपने शेफ साहब इसमें क्या क्या डाला है? ज्यादा वीडियो के लिए आप योर फूड लैब देख लें. YFL मैंने उसका वीडियो फॉलो किया. लेकिन सब्सक्राइब हमें कर लें. वैसे इस पोटली में क्या क्या डाला है वो तो बता दीजिए. इसमें थी चाय की पत्ती, काली मिर्च, लौंग,
दालचीनी जो कि नहीं थी तो पाउडर बाद में यूज़ किया है, तेज़पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची जो कि नहीं थी। ओके, काम चला के बना रहा था। कहाँ पे आपने स्टोर में देखी होगी? इंडियन स्टोर में नहीं, यहाँ घर पे तो आएंगे। यहाँ बड़ी इलायची नहीं है मम्मी जी, नहीं नहीं लाया। अरे मैंने लाई नहीं, खाया नहीं है। भैया ने मिर्ची और अदरक तो जूलियंस यस जूलियंस एंड दिस छोले एंड बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हम पाउडर डालेंगे। ओके, फिर लास्ट में इसमें पानी ऐड कर देंगे। वो पहले घी डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पानी डालना। ओके, कुंचुक कुंचुक जू जू जू, वाह है स्वाद। पापड़ कहाँ गया? पेट में। अच्छा, जल्दी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anesh Papa. सबका बर्थडे एक साथ। Happy birthday to you. Thank you. आपको तो खिलाने दो। मेरा बहुत मजा आया। अरे लाओ खिलाने। Just put it. Take this for that. Nice. पता ही नहीं ना। मजा आता है। This is the best one ever. वैसे तो हम इतने सालों से अपना जो बर्थडे है ना बड़े सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बस केक ले आते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज कर देते हैं और कहीं कुछ कभी अगर मौका पड़ता है तो बाहर या तो खाना खाने चले जाते हैं या फिर घर में कुछ स्पेशल बना लेते हैं। पर अब के बहुत सालों बाद मुझे चांस मिला है कि मैं बर्थडे वाले दिन उसके यहाँ पे हूँ, बहुत सालों बाद। तो कुछ ज्यादा इतनी खुशी थी पर कुछ नहीं, सादा सिंपल पर फिर भी बहुत स्पेशल तरीके से आज सुबह जो इतने सालों बाद टीका वो सब कुछ है ना, जब हम बाहर चले जाते हैं जॉब या फिर कहीं और सेटल हो जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है पेरेंट्स के लिए वो सारे मोमेंट्स को जी याद करते रहे, फिर बच्चे हाथ में नहीं आते हैं। हाँ ये तो है। आज मम्मी जी के हाथ में वो आ गए तो मम्मी जी सारी सारी रस्में निभा दी जो मम्मी जी जब वो छोटे थे तब निभाती थी, है ना मम्मी जी? हाँ। बहुत सालों बाद मम्मी जी का फिर से सपना पूरा हो गया उनको सब लगाने का बर्थडे वाले दिन। तो आप ये सब फोटोज देखिए, हमने जो बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरीज कैप्चर की है। और कल हम जब कॉस्को गए थे तो मम्मी जी और अनन्या ने कुछ रील्स बनाई है, वो भी मैं आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करती हूँ। और अब हम दोनों मिलकर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बहुत सारा खुश रहिए और कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज एंड बाय बाय। आज मम्मी जी